वेल, टिकटॉक और यूट्यूब कंट्रोवर्सी के बारे में तो हम सब जानते हैं, लेकिन आपको बता दें कि हाल ही में एक ऐसी टिकटॉक वीडियो सामने आई है जिसके चलते टिकटॉकर पर FIR भी दर्ज हो गई है। जी हाँ, आमिर सदीकी के भाई फैजल सदीकी की एक ऐसी टिकटॉक रिसेंटली सामने आई है जिस टिकटॉक में वो नजर आ रहे हैं एसिड अटैक को प्रमोट करते हुए। जी हाँ, आप पहले इस वीडियो की एक झलक देखिए। इस वीडियो को देखने से पता चल जाता है कि स्टार्टिंग में फैजल सदीकी कुछ नशे में कुछ पीते हुए और थोड़े सैड नजर आ रहे हैं, लेकिन बाद में वो गुस्से में आते हैं तो लड़की के चेहरे पे फेंक देते हैं कुछ, जिसके बाद लड़की का चेहरा खराब हो जाता है। इसे देखने से साफ जाहिर होता है कि ये एसिड है और एसिड अटैक को प्रमोट करने वाली इस वीडियो को पोस्ट किया था फैजल सदीकी ने। हालांकि फैजल सदीकी का बाद में कहना है कि उन्होंने ऐसा कुछ भी प्रमोट नहीं किया, लेकिन आपको बता दें कि वीडियोस को देखने से तो ऐसा साफ जाहिर हो रहा है। अगर हम इस मुद्दे की बात करें तो हाल ही में इस मुद्दे के साथ सिंगर सोना मोहपात्रा और सलमान खान का नाम भी जुड़ गया है। जी हाँ, आपको बता दें, क्योंकि सिंगर सोना मोहपात्रा ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने सलमान खान को भी मेंशन कर दिया। जी हाँ, सलमान खान का नाम लेते हुए उन्होंने कहा कि हम तो सलमान खान की स्टोरीज देख के बड़े हुए हैं, ऐसा होना आम बात है। जी हाँ, सोना मोहपात्रा अपनी ट्वीट में लिखती है, डियर अलीजनत, नथिंग बिफोर एंड आफ्टर दी स्प्लाइज्ड वीडियो यू वर डिफेंडिंग ऑफ दिस गाय सीडी जस्टिफाइड। डिमीनिंग वुमेन इज नॉर्मलाइज्ड इन आवर कल्चर। वी ग्रो अप विद स्टोरीज ऑफ सलमान खान ब्रेकिंग बॉटल्स ऑन हिज गर्लफ्रेंड्स हेड इन पब्लिक, येट द कंट्रीज बिगेस्ट स्टार नीड्स टू स्टॉप। वेल, आपको बता दें कि सलमान खान ने फिलहाल इस बात पर कुछ नहीं बोला है। और इसके बाद अगर हम बात करें फैजल सदीकी की, तो सोना मोहपात्रा की ट्वीट को लेकर फैजल ने कुछ नहीं कहा है, लेकिन फैजल ने आखिर में ये सफाई जरूर दी है कि उन्होंने ऐसा कुछ भी प्रमोट नहीं किया था। आपको बता दें कि फिलहाल तो फैजल के टिकटॉक अकाउंट को बैन करने की भी मांग चल रही है। सो अब क्या होता है ये तो समय आने पर ही पता चलेगा। सो दैट्स अ रैप फॉर नाउ। फॉर मोर अपडेट्स की वॉचिंग गूगल बॉलीवुड।